नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फरीदाबाद में लॉकडाउन के दौरान सील गोदामों से गायब हुई शराब की 2 लाख बोतलें ठेकेदारों ने अवैध रूप से बेचकर कमाया लगभग 10 करोड़ का मुनाफा। पल पल फरीदाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। लॉकडाउन के चलते हरियाणा में बंद किए गए शराब के ठेकों के बाद फरीदाबाद में सील किए गए शराब से भरे सरकारी गोदामों में करीबन 2 लाख शराब की बोतलें गायब हो चुकी है। आबकारी एवं कराधान विभाग के उपायुक्त वीके शास्त्री ने खुलासा करते हुए बताया है कि शराब की 2 लाख बोतलें इन गोदामों में स्टॉक में जो रखी गई थी वो कम मिली हैं और जांच में पाया गया है कि शराब की बोतलें गुप्त रूप से गोदामों से गायब की गई। वहीं गायब की गई शराब की अवैध रूप से मार्केट में बेची गई। DETC वीके सिंह वीके शास्त्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि फतेहाबाद में कुल 3 गोदामों में शराब का स्टॉक मौजूद था और इन गोदामों में कुल 2 लाख शराब की बोतलें मौजूद थी जो अब पूरी तरह से गायब हो चुकी है। शास्त्री ने बताया कि जांच पड़ताल के बाद फिलहाल इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेजी गई है और अधिकारियों के निर्देश के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी। वीके शास्त्री ने बताया कि लॉकडाउन के चलते शराब की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई थी और ठेकेदारों ने गुप्त रूप से शराब गायब कर मार्केट में बेचकर एक्साइज एक्ट 1914 का उल्लंघन किया है और साथ ही ये मामला क्रिमिनल दायरे में भी आता है। ऐसे में एक्साइज एक्ट और क्रिमिनल एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई की जाएगी। गायब हुई 2 लाख शराब की बोतलें अवैध रूप से बेचकर ठेकेदारों ने लगभग 10 करोड़ का मुनाफा कमाया होगा। आप देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। ऐसा है जी, विभाग को कुछ जानकारी मिल रही थी कि भाई 2 नंबर में शराब जो है जिला में बिक रही है, तो उसकी मुस्तैदी में पुलिस भी रोज 10 बोतल 15 बोतल के केस बना के जो है मामले को भेज रही थी। लेकिन हमने एक जगह कुछ लोगों को पकड़ा तो ये पता चला कि वहाँ से लेके आए हैं। इसके बाद हमने एक सोची समझी और कूटनीति के तहत 3 गोडाउनों का फिजिकल सर्वे किया जिसमें 17,000 के लगभग पेटियाँ, जिसमें एक पेटी में 12 बोतल होती हैं, तो इस तरह ये 2 लाख से ऊपर बोतल बनती हैं, ये कम पाई गई है। ये फिजिकल स्टॉक हमारी टीम में ब्रजमोहन शर्मा ATO और हमारे स्टाफ के कर्मचारी और पुलिस के कुछ जवानों के साथ कार्रवाई के तहत हमने पकड़ा है। सर ये कौन कौन से गोदाम है, देसी के हैं, अंग्रेजी के हैं, किस तरह के? जिले में श्री विनायक एसोसिएट्स का L1 और L13 है और डिस्कवरी सेल्स फतेहाबाद है। ये इन तीनों का ही गोडाउन में जो है ना हमने ये चेक किया था। क्या कार्रवाई की जा रही है जिनके पर? मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ले दिया गया है। यद्यपि इन्होंने यदि हमने सील लगा दी थी उसके बाद भी इतना स्टॉक कम पाया है तो ये जो है ना क्लैंडेस्टनली मतलब प्रछन्न रूप से गुप्त रूप से इन्होंने शराब को बेचा है, वो भी विभाग की बिना परमिशन और अनुमति के। तो इन्होंने एक्साइज एक्ट का भी वो किया है, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी इनके ऊपर बनती है। तो क्या क्रिमिनल केस के लिए पुलिस को भी कोई शासन को किया जाएगा? चूंकि एक्साइज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो सबसे पहले उच्च अधिकारी जो हमारे उन्हीं के संज्ञान में लाना उचित होता है। विभाग की उस कार्रवाई के लिए मैंने जो है विभाग के उच्च अधिकारियों को लिख दिया है। अनुमानित जो अगर इसका आंकलन करें तो एक्साइज डिपार्टमेंट को कितने रेवेन्यू को लॉस हुआ है इस मामले में? एक्साइज डिपार्टमेंट को तो जो स्टॉक है उस पर तो स्टॉक ड्यूटी तो इन्होंने स्टॉक ट्रांसफर आगे जो करना हुआ आएगी, लेकिन जो इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं वो ज़्यादा महत्व रखता है। दूसरा लॉकडाउन है, देश में कानून जब लागू है तो उसका सम्यकतया निर्वहन करने की इनकी भी ड्यूटी बनती है। जब आज देश में प्रत्येक नागरिक लॉकडाउन का पालन कर रहा है तो इन्हें भी अपनी ड्यूटी या कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए था। तो ये अनुशंसा की जाएगी क्या इनके खिलाफ जो है इस तरह का जो क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए या किस तरह? हाँ, मैंने इनके ऊपर ये लिखा है कि भाई ये लाइसेंसी ने जो है ना क्रिमिनल एक्ट का भी वायलेशन किया है और एक्साइज एक्ट 1914 का भी वायलेशन किया है, इनके ऊपर अप्रोप्रिएट एक्शन लेने का कष्ट करें। ठीक है, धन्यवाद जी।